नमस्ते हिंदुस्तान, आपको जैसा इन्फॉर्मेशन होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है। वो जजमेंट दिया है जो है ना, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स और को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसका वायलेशन जो हो रहा था उसको रोकने के लिए, और अंडर सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को प्रिजर्व रखने के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है। और जो जजमेंट एक आगे तक की जो है ना हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि जो है ना आए दिन देखा जाता था कि जो है ना पुलिस कस्टडी में लेके, जो है ना कस्टोडियल रिमांड में लेके, जो है ना इसको टॉर्चर करती थी। और टॉर्चर है, पुलिस ऑफ एट्रोसिटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ एट्रोसिटी बढ़ता जा रहा था। और कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो है ना इस एट्रोसिटी के कारण जो है ना जो इनिशियल एक्यूज है उस एक्यूज का जो है ना वहाँ पे डेथ भी हो जाती है। यही सब कारण से एक केस जो है ना SLP डाला गया था, जो है ना इस SLP, एक SSLP था, सेफ मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें जो है ना इन्होंने, सेफ मोहम्मद ने जो है ना इसके का केस था। इस केस में जो है ना हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट को कहा गया था कि जो है ना कोर्ट के द्वारा कि इनको जल्द से जल्द जो है ना वहाँ पे वीडियोग्राफी और CCTV का जो है ना में अरेंजमेंट होना चाहिए हर पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो है ना एक SLP डाली। उस SLP को जो है ना हियरिंग हुई, और हियरिंग जो है ना जस्टिस RF इंडिया नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस अनिरुद्धम बोस ने किया। और उन्होंने जो है ना एक जजमेंट, एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। और इस जजमेंट में इन्होंने डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट में को, और यूनियन टेरेटरी को कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैं सारे जो है कि जो है ना ऑफिस में आगे जो है ना CCTV के अरेंजमेंट होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जैसे है, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ED, जैसे नारकोटिक ब्यूरो नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट NCB, उसके डिपार्टमेंट रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन जो है ये जो BRI, उसके बाद सीरियस फ्रॉड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है ना, ये सारे जो डिपार्टमेंट है, और लोकल पुलिस, सारे डिपार्टमेंट को जो है ना लगाना है एक CCTV, और जो है ना जो लोकल पुलिस हैं उसको जो है ना एक्यूज हैं उसके लिए वीडियोग्राफी का व्यवस्था होना चाहिए कि जो है ना यहाँ पे एक्सीडेंट या कहीं भी जो है ना कोई भी जो है ना इवेंट होती है, किसी तरह की जो है ना घटना घटती है तो उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए। और एक्यूज जो है ना, जो भी एक्यूज को कस्टोडियल रिमांड लिया जाता है तो उसको जो है ना उसके जो है ना उसके सेफ के लिए CCTV का व्यवस्था होना चाहिए प्रत्येक जो है ना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसेज में। ये CCTV का जो ना अरेंजमेंट जो होना चाहिए, नाइट वी कैप जो ना स्पेसिफिकेशन जो होना चाहिए नाइट विजन का होना चाहिए, रात नाइट में भी जो है ना वो रिकॉर्ड कर सके। और साथ ही उसकी बैकअप कैपेसिटी 12 मंथ का होना चाहिए कि 12 मंथ बिफोर 12 मंथ तक का जो है ना उसको रिकॉर्डिंग जो है ना स्टोर किया जा सके, ताकि जब जरूरत हो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है ना उसको डिमांड कर सके, और उस कोर्ट में जाके वो जो उस कोर्ट में जो उसको जो है ना प्रस्तुत किया जा सके, और उसको कोर्ट को रिक्वायरमेंट के अनुसार में सबमिट किया जा सके। इसलिए जो है ना ये बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। और क्योंकि एक्यूज जो है ना होते थे, उसके एक्यूज को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, इस टॉर्चर को सेव करने के लिए, ह्यूमन राइट्स का जो है ना वायलेशन को रोकने के लिए, और फंडामेंटल राइट का जो ना वायलेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। इस कदम को सराहना होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता था कि पुलिस जो है ना पॉलिटिकल मोटिवेशन में भी आके जो है ना किसी इनोसेंट को भी पकड़ लेती थी, और जो है ना कस्टडी रिमांड ले पे लेती थी, और उसको टॉर्चर किया जाता था। और कुछ नहीं, उनको एक ही इंटेंशन होता था, इसको जो है ना इसने कुछ पॉलिटिकल
किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोला है तो इसको पकड़ के जो है ना ले आओ कस्टोडियल रिमांड लो और फिर इसको टॉर्चर करो। तो इसको रोकने के लिए, इस सब के बहस को रोकने के लिए, ह्यूमन राइट्स को रोकने के लिए जो है ना जो भी है के उस तरह को रोकने के लिए बहुत ही अच्छी कदम है। इस कदम को सराहना चाहिए और इस जजमेंट को एक हिस्टोरिकल जजमेंट रहेगा। आगे जो है ना जो भी है इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को एक लेसन मिलेगी ताकि जो है ना वो कल्प्रिट को या एक्यूज जो भी है इनिशियल एक्यूज दे उसको टॉर्चर नहीं करे, उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो और ह्यूमन राइट्स का भी जो है ना उसको ह्यूमन राइट्स का जो मिली हुई है उसको प्रोविजन उस प्रोविजन का वायलेशन नहीं हो। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो है ना आपको समय समय पर जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलता रहे और आपका मेरा आपको मेरा मैसेज आप तक पहुँचता रहे। इस तरह की थैंक जय हिंद।